दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। त्रिपुरा के 1,47,000 परिवारों को मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। पीएम मोदी आज जारी करेंगे 700 करोड़ रुपए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पंजाब के परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा आज प्रदेश में नहीं कटेगा किसी वाहन का चालान। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती। शांतिवन पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया नमन। राहुल गांधी ने भी नेहरू को किया याद, नमन कर दी श्रद्धांजलि। मणिपुर के आतंकी हमले में कर्नल समेत 5 जवान शहीद। कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। रक्षा मंत्री ने हमले को बताया कायराना। गढ़चिरौली मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस ने 27 नक्सलियों को किया ढेर। 12 घंटे तक पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। 4 जवान भी जख्मी। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में लगा कर्फ्यू। सुबह पथराव, लाठीचार्ज के बाद 20 गिरफ्तार। इंटरनेट सेवाएं भी बंद। हालात को देखते हुए 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू। आज से 5 दिन के इसराइल दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे। सरहदी सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर करेंगे मंथन। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात। बढ़ते प्रदूषण पर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। राजधानी में 1 हफ्ते के लिए स्कूलों को किया बंद। सरकारी कर्मचारी घर से करेंगे काम। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता। युवाओं को गुमराह करने वाले लुभाने और गैर पारदर्शी विज्ञापन हुआ मंथन। पीएम के आदेश, विज्ञापनों पर कसी जाए नकेल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बैठक की आज। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। 26 मुद्दों पर होगी चर्चा। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। अखिलेश यादव ने बीजेपी के जाम पर किया तंज। कहा झूठ, अहंकार और महंगाई है जाम का मतलब। अमित शाह ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर साधा था निशाना। महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। 15 दिनों तक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस। यूपी में आज बीजेपी का वैश्विक सम्मेलन। लखनऊ में होगी सम्मेलन की शुरुआत। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद।